हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबके लिए फिर से एक ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ चुका हूँ मैं। तो दोस्तों, आज मैं अपने घर अपने गांव आया हुआ हूँ, तो अपने घर में वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसके लिए अगर थोड़ी बहुत आवाज़ आए बैकग्राउंड में तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बहुत लाउड आती रहती है। यहाँ एक स्कूल है हमारे पास में, उसकी वजह से। दोस्तों, ये वाली वीडियो होने वाली है बहुत बहुत खास। अगर आप ये वाली वीडियो अपने स्क्रीन पर देख लिया, हम इस वीडियो का ट्यूटोरियल आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो बनानी है तो आपको हमारी वीडियो जरा भी स्किप नहीं करनी है। साथ ही में अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी कर लीजिए प्रेस, क्योंकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा आपको। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, बताते हैं आपको कैसे बनानी वाली वीडियो। हाँ, तो दोस्तों चलिए अपना काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। दोस्तों, मैं काइन मास्टर का प्रो वर्जन यूज करता हूँ, चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप मेरा वाला काइन मास्टर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाले आइकन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर लेंगे तो यहाँ से आपसे तीन एब्सैक्ट रेशियो मांगे जाएंगे, तो आपको बीच वाला रेशियो ले लेना है जो 9:16 में है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो फिर एक नया इंटरफेस खुलकर ओपन हो जाएगा। तो आप देखेंगे आपके राइट साइड के कॉर्नर पर एक मीडिया का ऑप्शन आता है, तो सिंपली आपको मीडिया वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ फर्स्ट में ही ऑप्शन आता है बैकग्राउंड का, तो आपको बैकग्राउंड में चले जाना है और यहाँ से एक ब्लैक कलर के बैकग्राउंड पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका बैकग्राउंड नीचे आ जाएगा, तो आप नीचे वाले बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए और इसके येलो वाले पार्ट पर क्लिक कर इसको 15 सेकंड तक स्क्रॉल कर लीजिए। 15 सेकंड बड़ा करने के बाद सिंपली फिर आपको यहाँ से राइट कर देना है और फिर स्क्रॉल कर दोबारा स्टार्टिंग में आ जाना है। अब दोस्तों, मैंने आपको ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद सिंपली उसको लाने के लिए आपको यहाँ लेयर पर क्लिक करना है। लेयर पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में चले जाइए मीडिया में। जैसे ही आप मीडिया पर क्लिक करेंगे तो फिर एक इंटरफेस खुल जाएगा आपके सामने कुछ इस प्रकार का। तो दोस्तों, वो वीडियो आपने जहाँ भी डाउनलोड करी होगी तो आप उस वीडियो को वहाँ से ले लीजिए। तो दोस्तों, मैंने अपनी वीडियो ले ली है। सिंपली लाने के बाद आपको क्या करना है, सेरो पर क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन में कर लीजिए, वरना जो सीजर के बराबर में एक बॉक्स है, बॉक्स पर क्लिक कीजिए और इस वाइट वाले पर क्लिक कर दीजिए, तो ये ऑटोमेटिक फुल स्क्रीन में हो जाती है। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से राइट कर देना है। अब आपको स्क्रॉल करके स्टार्टिंग में आ जाना है, सॉरी लास्ट में आ जाना है, जहाँ से आपकी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपका बैकग्राउंड बड़ा हो तो आप पहले उसको इरेज कर दीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ अपनी वीडियो में एक जगह सर्च करनी है जो ग्रीन स्क्रीन आती है। वो जगह सर्च करने के बाद आपको अपनी इसी वीडियो पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसी वीडियो पर क्लिक करेंगे तो आपके राइट साइड में बहुत सारे ऑप्शन खुल जाएंगे, तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो एक ऑप्शन आता है क्रोमा की का, तो आपको क्रोमा की में चले जाना है और यहाँ से एक ऑप्शन आएगा अनेबल का, तो आप इसको अनेबल कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, मेरा यहाँ पर इसकी जगह पर येलो कलर है, तो मेरा इसके वजह से ग्रीन स्क्रीन नहीं हटा है, तो मैं अपना यहाँ पर ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ और फिर राइट करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मेरा ग्रीन स्क्रीन हट गया है, तो आप देख सकते हैं मेरा ग्रीन स्क्रीन हट गया है। अगर थोड़ी बहुत आपकी लाइटिंग कम हो जाती है तो ये ऊपर वाला 28 वाले को थोड़ा सा आप कम कर दीजिए, तो आपकी लाइटिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगी। अब दोस्तों, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल से एक अच्छी सी वीडियो शूट कर लेनी है अपने हिसाब से। जैसे भी आप एक्टिंग करो वैसी वीडियो शूट कर सकते हो। मैं दिखा दूंगा आप, मैंने कुछ इस प्रकार की अपनी एक वीडियो शूट करी है। उस वीडियो को शूट करने के बाद उसको लाने के लिए ना आपको लेयर पे ही क्लिक करना है और फिर से मीडिया में चले जाना है, और फिर दोस्तों वो वीडियो आपकी जहाँ भी हो आप उस वीडियो को वहाँ से ले लीजिए। सिंपली आपको लाने के बाद उस वीडियो को ऐसे फुल स्क्रीन में करना है। पहले दोस्तों, मैं आपको अपनी वीडियो दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार की एक्टिंग कर मैंने वीडियो शूट करी है। उम्मीद करता हूँ आप मेरे से अच्छी वीडियो शूट कर सकते हो। तो दोस्तों देखिए, कुछ मैंने ऐसी एक्टिंग कर एक वीडियो शूट करी है। अब आपको क्या करना है, मैं इसके अंदर एडजस्ट कर दिखाता हूँ अपनी वीडियो को। तो दोस्तों, यहाँ से आपको राइट कर देना और अपनी वीडियो पर क्लिक करके रखना है। जैसे ही आपका मोबाइल वाइब्रेट करे तो आप उठाकर इसको वहीं कर लीजिए, यहाँ से आपकी ग्रीन स्क्रीन आती है। तो दोस्तों देखिए, मेरी ग्रीन स्क्रीन यहाँ से आती है, तो मैं इसी पर क्लिक कर दोबारा यहीं से ब्लैक वाली जो है यहीं पार्ट पर रख देता हूँ इसको ले जाकर। अब ले जाने के बाद आपको सिंपली अपनी इसी वीडियो पर क्लिक करना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको 3 डॉट में जाना है और यहाँ से सेंड टू बैक कर देना है, और फिर आपको यहाँ से राइट कर एक बार प्ले कर देखनी है अपनी वीडियो। तो दोस्तों देखिए, मेरी वीडियो बनकर एकदम रेडी हो गई है। तो दोस्तों, मैं कुछ इसमें क्या करता हूँ, मेरी थोड़ी सी वीडियो छोटी है तो मैं अपनी वीडियो पर क्लिक करता हूँ और इसको बीच में से दो डिवाइड कर देता हूँ, उसको दो भागों में काट देता हूँ। उसको काटने के लिए आपको लास्ट वाले में जाना है और यहाँ से इसको कट कर देना है, और फिर आपको सिंपली यहाँ से राइट कर इसको उठाकर पीछे ले जाना है, इसी वीडियो जो लास्ट में आपने कट कर दी है, जहाँ से आपकी दूसरी वाली ग्रीन स्क्रीन आती है वहीं अपनी इस वीडियो को क्लिक कर सेंड टू बैक कर दीजिए, जैसे मैंने करी है, देखिए। तो दोस्तों देखिए, मेरी वीडियो बनकर एकदम रेडी हो गई है। जब आपकी वीडियो बनकर रेडी हो जाएगी तो आपके लेफ्ट साइड में एक शेयर का ऑप्शन आएगा, तो आपको शेयर में जाना है और यहाँ से उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है अपनी मेमोरी में। दोस्तों, ये कुछ लोडिंग लेगा, जैसे ही आपकी लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये वीडियो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो कर दीजिए लाइक। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको बहुत जल्द अगली वीडियो।